जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दानियाल नफीस मेहो और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ मंगवाई है अपने व्लॉग के लिए, अपने चैनल के लिए। ये स्टिक मैंने मंगवाई है और इसका दराज से ऑर्डर दिया था, काफ़ी दिनों से आई हुई है और ये मैं शूट पे काफ़ी दिनों बाद कर रहा हूँ। रोज़ सोचता था कि यार अब करता हूँ, अब करता हूँ, अब करता हूँ। तो आज फ्री बैठा था, इस टाइम ऑफिस में अकेला हूँ मैं और पीछे भी कोई नहीं है कि अब फ्रेम सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, माइक लगाया हुआ, खुद ही सेट वगैरह किया है। ये एक स्टिक है जो मैंने मंगवाई है अपने व्लॉग के लिए। ये एज अ सेल्फी स्टिक भी यूज़ हो सकती है और ट्राइपॉड के तौर पर भी यूज़ हो सकती है और बड़ी कमाल की चीज़ है, बड़ी हैंडी है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये इस पर बड़ा ज़बरदस्त ये शापर चढ़ाया हुआ है, नाम मुझे नहीं आता, समझ रहे हो, समझ रहे हो। इसके लिए बचपन में ये आपको आवाज़ सुनाता हूँ मैं, चल जा। वाह क्या सीन है ये, चले मजाक। तो ये मंगवाई है और साथ इसके मेरे पास एक माइक है। माइक की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन अच्छा ये चीज़ें ना मैंने देखा देखी मंगवाई हैं। मैं ये भी एक यूट्यूबर को देखा था और माइक लगा के व्लॉग बनाते हुए भी एक यूट्यूबर को देखा था। अब मैंने अपना जो फर्स्ट व्लॉग बनाया है इस्लामाबाद का, वो मुझे उसके जब कुछ मैं अक्सर सुन रहा था तो मुझे मेरी आवाज़ नहीं आ रही होती थी। फिर एक दो क्लिप हैं मेरे वहाँ पर जो मैंने माइक के साथ भी बनाए हैं और वो डाले भी मैंने। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं स्टिक की और चैनल मेरे को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया तो, सब्सक्राइब लाजमी करें और जो पिछले वाला व्लॉग है उसे भी जाके देखें, उस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में बताएं कि क्या क्या गलती कहां कहां पर है। और इस वीडियो को भी आपने लाइक करना है, अपनी राय देनी है कमेंट्स में। ब्लॉग है बहुत पुराना, यूट्यूब स्टार्ट करने का तकरीबन कोई 5 साल पुराना, उसे पाया तकमील अब दे रहा हूँ। अच्छा जी तो बिस्मिल्लाह करके करते हैं इसकी ओपनिंग। ये कटर मेरे पास बहुत पुराना पड़ा है, जंग लगा हुआ, ऐसे नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं शशके मारने के लिए कटर दिखा रहा हूँ कर रहे हैं साइड पर। तो क्योंकि मेरा कैमरा एंगल नीचे है तो मैं आप सबको दिखाता चलूँ। ये जी ये सेल्फी स्टिक है, बेसिकली इसे सेल्फी स्टिक कहा जाता है। ये H1 की सेल्फी स्टिक है, मोर फंक्शनल मोर अमेजिंग सेल्फी स्टिक, वायरलेस है, ट्राईपोड है, स्ट्रेचेबल है और रोटेशन है। तो ये ब्लैक कलर में है, पिंक कलर में है, वाइट कलर में भी है और डार्क ग्रीन में। तो जो मेरे पास आया है वह ब्लैक कलर में। अब इसको खोलते हैं, ये है सेल्फी स्टिक। अभी ये जादू चेक करेंगे, हाय 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 क्या बात, क्या बात। ये देखिए भाई तू कहाँ जाता है, इधर आ जा। ये सेल्फी स्टिक है और ये देखिए ना बड़ी हाथ में आराम से आ जाती है। आप इसको हाथ में लगा, हाथ में जेब में रख के फिरते हैं, कोई इसका इतना वजन नहीं होता। जिस अक्सर होता है ना ट्राईपॉड वगैरह का क्लिप लेना पड़ जाए तो मुश्किल हो जाता है। ये सेल्फी स्टिक है, इसको हम खोलते हैं इस तरह से तो ये इस तरह खुल जाती है, आप देख लें। और ये यहाँ से खोल के इस जगह पर ना ये इसको ऊपर करेंगे, इस जगह पर हम मोबाइल लगा सकते हैं और अपना एक व्लॉग शूट कर सकते हैं, जो मर्ज़ी वीडियो शूट करना चाहे वो कर सकते हैं। अच्छा जी तो ये जो ऊपर इसका माउंट लगा हुआ है ये रोटेट हो जाता है, ये देखें ये गोल घूम भी जाता है। इसे बंद कर देते हैं यहाँ से, ये इसके साथ इन्होंने एक ब्लूटूथ दिया हुआ है। अगर आप चाहें अपना कोई सेल्फी स्टिक क्या तौर पर यूज़ हो, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। आपने ये देख लिया ना, ये इस टाइम ये एक गिम्बल टाइप तो नहीं, गिम्बल तो रोटेट होता है लेकिन ये भी उससे कम नहीं है, देखिए ये एक ट्राइपॉड है। अब यहाँ से इसको हम खोलते हैं, खुल जा सिम सिम, ये अब ये हम ऐसे रख सकते हैं इसे। अब ये पड़ा है, आप इसमें मोबाइल रख के टाइम लैप्स बनाएं जो मर्ज़ी करें तो ये बन सकते हैं। फिर इसे फिर से बंद कर देते हैं। अब इसको हम दिखाते हैं आपको इसकी सेल्फी स्टिक, ये अब कैमरे में आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए ये अब एज अ सेल्फी स्टिक भी यूज़ हो सकती है। इसी ब्लूटूथ के ज़रिए हम इसको एज अ सेल्फी स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं और अगर हम इसे कोई इसका कोई क्लिप बनाना चाहें, कोई एज अ स्टैंड के तौर पे इसे यूज़ करना चाहें तो नहीं हो सकता क्योंकि नीचे नहीं, ये हाँ हो सकता है। ये देखिए इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये भाईजान एज अ स्टैंड के तौर पर यूज़ हो सकता है।
यहाँ पे हम अपना फ़ोन रख देते हैं, ये रोटेट हो गई इसको इस तरह से, तो ये अब एज अ स्टैंड भी यूज़ हो सकता है, सेल्फी स्टिक के तौर पर यूज़ हो सकता है और ट्राइपॉड के तौर पर यूज़ हो सकता है। ये क्लिप भी दिया हुआ है, अगर आप इसे टाइट करना चाहें, इसे खोलना चाहें, रोटेट करना चाहें, तो उस लिहाज से ये अगर मैं इसे अपनी जेब में डालना चाहूं तो इस तरह से ये मेरी जेब में भी आ जाता है और मुझे इसका वज़न भी नहीं लगता कि इसका वज़न है कि नहीं है। ये है ट्राइपॉड हमारा। अच्छा जी, तो हुआ कुछ यूँ है कि मैं वीडियो बिल्कुल ओके कर ली थी और क्योंकि मैंने फर्स्ट में बताया कि मैं अकेला हूँ कमरे में, तो अचानक से जो मेरे मोबाइल की स्टोरेज है वो फुल हो गई थी। सिर्फ जो ओपनिंग आई है वो इसकी वो आई है, तो मैं आपको फिर बताता चलूँ कि ये माइक है मेरे पास, मोरोई वायरलेस माइक्रोफोन GMH8। अच्छा जी, तो ये इसका माइक है, ये इसका कनेक्टर है, इसे मोबाइल में लगाते हैं और इसे आराम से आप वीडियो बना सकते हैं, व्लॉग बनाना हो, कुछ बनाना हो, तो बड़ा ज़बरदस्त माइक है ये और अभी तक मुझे बेस्ट लगा है। और इसकी जो प्राइस है वो मैं यहाँ पर दे दूँगा, यहीं पर ना, हाँ यहीं पर। और इसकी जो है ये जो ट्राइपॉड है इसकी भी प्राइस मैं यही साथ दूँगा, क्योंकि दराज से मंगवाया तो मैं आपको दराज वाली प्राइस दूँगा, और अगर आप भी मंगवाना चाहें तो मुझे बहुत बेस्ट लगा है। और आपको अगर आप व्लॉगिंग का शौक़ है, नहीं नहीं है ना, तो थोड़ा बहुत अभी करना पड़ेगा, तो इस वजह से फिर ये मैंने मंगवाया है ट्राइपॉड। इसका जो क्लिप है ये भी मैं आपको भी अंदर चला जाऊँ भाई, इस ट्राइपॉड का क्लिप भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह इसका व्यू आता है और किस तरह नहीं आता। अब तक के लिए इतना ही। A few inches later. इस टाइम जो क्लिप बन रहा है ये मेरे ट्राइपॉड से बन रहा है और बहुत इजी फील हो रहा है मुझे, मतलब मोबाइल पहले यूँ पकड़ना होता था, अब ट्राइपॉड से पकड़ा हुआ है, फ़ौरन उसे घुमा भी सकता हूँ मैं और बहुत ज़बरदस्त बन रहा है। और मेरी तरफ से तो 100 में से 100 नंबर है ट्राइपॉड को, क्योंकि अभी तक बेस्ट चल रहा है। और आप सबको भी रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोग भी व्लॉग स्टार्ट करना चाहें, वीडियो बनाना चाहें, तो ऐसा ट्राइपॉड लें जो आपके लिए इजी प्रोसेस हो और हैंडी हो, और इस तरह से आप उसे अगर रोटेट करना चाहें तो रोटेट भी कर लें। आपके लिए इतना ही, मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।